एक ऐसा गेम जहाँ आप एक वेजिटेरियन है बट एक मांस का टुकड़ा खाने से आपको मिलेगा 7 से 8 लाख रुपया। आप शराब छोड़ चुके हैं बट एक बॉटल स्कॉच खत्म करने से आपको मिलेगा लगभग 40 लाख रुपया। क्या आप एक ऐसा गेम खेलना पसंद करेंगे? बट इसके साथ आता है काफी टर्म्स एंड कंडीशंस। आज की हमारी एक्सप्लेनेशन ऐसे ही एक मूवी के ऊपर होने वाला है जिसका नाम है वुड यू रादर। मूवी की शुरुआत आयरिस नाम की एक लड़की से होती है जो अलग अलग जगहों पे जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। आयरिस का एक छोटा भाई है जिसका नाम है राले। राले को कैंसर है और अगर जल्दी उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उसकी जान को खतरा है। इसीलिए आयरिस डेस्परेटली एक डोनर की तलाश में थी और साथ में ही हॉस्पिटल और घर के बिल्स को चुकाने के लिए एक जॉब ढूंढ रही थी। एक दिन राले के डॉक्टर डॉक्टर बार्डन उसे क्लिनिक में मिलने बुलाते हैं जहां वो आयरिस को शेफर्ड लैम्ब्रिक नाम के एक आदमी से मिलाते हैं। शेफर्ड आयरिस से उसके भाई के बारे में पूछता है। इस पर आयरिस कहती है क्या वो उसके भाई की हेल्प कर सकते हैं। शेफर्ड कहता है वो नहीं बल्कि उसका फाउंडेशन कर सकता है। इसके बाद डॉक्टर बार्डन बताते हैं कि कैसे लैम्ब्रिक फाउंडेशन पूरे दुनिया भर लोगों की मदद कर रही है। ये सुनकर आयरिस के मन में नई उम्मीदें जगने लगते हैं और वो पूछती है इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। शेफर्ड कहता है कल रात उसके बंगलों में एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाला है जहां उसको आना है। वहां और भी गेस्ट होंगे जिनको पैसों की सख्त जरूरत है। डिनर के बाद एक गेम खेली जाएगी जिसमें जो विनर होगा उसे शेफर्ड फाइनेंशियली हेल्प करेगा। ये सुनने के बाद आयरिस थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और शेफर्ड से पूछती है कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा। इस पर डॉक्टर बार्डन कहते हैं कि कैसे कुछ साल पहले उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका था और शेफर्ड ने उनकी जान बचाई थी और उनकी लाइफ को फिर से रिस्टार्ट किया। आयरिस कहती है कि वो सोचकर बताएगी। इस पर शेफर्ड बोलता है कि अगर वो गेम जीत जाती है तो वो उसे सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेगा बल्कि उसके भाई के लिए एक डोनर का भी इंतजाम कर देगा। वो आयरिस को अपना एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर वो आना चाहे तो रात को 8 बजे आरएसवीपी पहुंच जाए। आयरिस श्योर नहीं थी कि वो ये गेम खेलना चाहती है या नहीं, इसलिए घर वापस आने के बाद वो कार्ड को डस्टबिन में फेंक देती है। दोस्तों रैले को बहुत दुख होता था क्योंकि उसके ट्रीटमेंट के लिए उसकी बहन इतने सारे प्रॉब्लम्स उठा रही है और खुद के खुशियों के बारे में भूल गई है। उसी दिन आयरिस को कुछ कॉल्स आते हैं और उसे पता चलता है कि जिन जॉब्स के लिए वो अप्लाई की थी वहां उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके पास और कोई चारा नहीं होता है, इसलिए डस्टबिन से कार्ड को निकाल के लैम्ब्रिक के डिनर पार्टी में जाने के लिए हाँ कर देती है। फिर अगले दिन एक कार आयरिस को पिक करने के लिए आती है जिसमें बैठकर वो शेफर्ड के बंगलों के लिए निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर वो 7 और कंटेस्टेंट से मिलती है जिसमें थे लुकस, कार्ल, ट्राविस, कॉनवे, पीटर, लिंडा और एमी। ये सब लोग यूएस के अलग अलग जगहों से आए थे और इन्हें भी पैसों की सख्त जरूरत थी। अगले सीन में हमें वापस क्लीनिंग वाली सीन को दिखाई जाती है जहां डॉक्टर बार्डन आयरिस के गेम खेलने को लेकर थोड़ा कंसर्न थे बट शेफर्ड कुछ पैसा देकर उनका मुंह बंद कर देता है। इधर कुछ देर बाद बंगलों पे बेवान नाम की एक आदमी आता है जो कि एक फॉर्मर MI5 एजेंट रह चुका है और अभी वो शेफर्ड का सिक्योरिटी हेड है। वो सभी कंटेस्टेंट से कहता है कि गेम के रूल्स के हिसाब से उनको उनके कीज और मोबाइल फोन्स इधर ही जमा करना होगा। फिर वो सबको डिनर टेबल पर ले जाता है जहां शेफर्ड उसके बेटे जूलियन के साथ आता है और सबको उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद डिनर शुरू होती है जहां आयरिस कहती है मुझे पहले बताना चाहिए था बट मैं बचपन से एक वेजिटेरियन हूं, मैं मांस नहीं खा सकती। ये सुनकर शेफर्ड को थोड़ा खुजली होता है और कहता है इंटरेस्टिंग। वो कहता है कि मैं चाहता हूं तुम ये मांस का टुकड़ा खाओ, जिस पर आयरिस मना कर देती है। फिर शेफर्ड कहता है कि अगर तुम ये मांस खा लेती हो तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। ये सुनकर आयरिस सोच में पड़ जाती है क्योंकि $10,000 एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है और थोड़ी ना नुकुर करने के बाद आखिरकार आयरिस अपने सामने पड़ी मांस खा लेती है। ये देख के शेफर्ड उसके ऊपर हंसने लगता है और कहता है जिसने पूरी जिंदगी मीट नहीं खाई है आज कुछ चंद पैसों के लिए उसने मीट खा ली। इससे हमें थोड़ा थोड़ा आवाज मिलता है कि शेफर्ड का नियत कुछ ठीक नहीं है और आज के गेम में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब होने वाला है। इसके बाद शेफर्ड को पता चलता है कि कॉनवे एक रिकवरिंग अल्कोहलिक है जिसने हाल ही में ही शराब पीना छोड़ दिया है। वो उसे कहता है कि अगर वो उसके सामने रखा वाइन से भरी ग्लास को पी लेता है तो वो उसे $10,000 देगा, जिस पर कॉनवे साफ मना कर देता है। शेफर्ड के इशारे पर बेवन कॉनवे के सामने $50,000 की एक गद्दी रख देता है और शेफर्ड कहता है अगर वो अपने सामने पड़ी स्कॉच की बोतल को पूरा खत्म कर देता है तो वो $50,000 उसका। ये सुनते ही कॉनवे पलक झपकते ही स्कॉच की बोतल खाली कर देता है। डिनर खत्म होने के बाद शेफर्ड सभी कंटेस्टेंट से कहता है कि अब समय आ गया है गेम को ऑफिशियली स्टार्ट करने का, जिसका नाम है वुड यू रादर। गेम में सभी कंटेस्टेंट को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और इसे सिलेक्ट करने के लिए उनको सिर्फ 15 सेकंड्स का ही टाइम दिया जाएगा, नहीं तो वो गेम से एलिमिनेट हो जाएगा। और इस गेम में सिर्फ एक कैच ये है कि सबको उनके द्वारा चुनी गई ऑप्शन में जो टास्क होगा उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। आयरिस पूछती है क्या होगा अगर उसने टास्क कंप्लीट करने से मना कर दिया तो शेफर्ड कहता है तब वो भी गेम से एलिमिनेट हो जाएगा और जो एंड तक सारे टास्क को कंप्लीट करके बचा रहेगा वो इस गेम का विनर होगा और उसे वो सारे ऐशो आराम दिया जाएगा जो उसे प्रॉमिस किया गया था। गेम शुरू करने से पहले शेफर्ड कहता है कि अगर किसी को गेम नहीं खेलना है तो वह अभी यहां से उठ के जा सकता है। वंस गेम स्टार्ट होने के बाद कोई क्विट नहीं कर सकता, मगर कोई भी नहीं उठता, सबको गेम खेलना है क्योंकि पैसा ही पैसा होगा। गेम शुरू होता है और बेवन्स कमर में एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन लेकर आता है। मशीन देखते ही सभी कंटेस्टेंट्स घबरा जाते हैं
और कॉनवे उठ के वहां से जाने लगता है और कहता है, मुझे पहले से पता था कि तुम हमें हर्ट करने वाले हो, मुझे ये गेम नहीं खेलना है। शेफर्ड कहता है अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि गेम से पहले सबको पूछा गया था कि कोई अगर जाना चाहे तो अभी चला जाए। कॉनवे कहता है कुछ भी हो जाए वो नहीं खेलेगा और जाने लगता है। तभी अचानक बेबंस उसे गोली मार देता है। ये सब देखकर बाकी लोगों की फटके चार हो जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि वो किसी बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। बेबंस कार्ल और एमी के सर पर वो इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा देता है और शेफर्ड कार्ल को 15 सेकंड्स का टाइम देता है ये चूज करने के लिए कि क्या वो खुद को शॉक देगा या एमी को, और उसे दो बटन दिया जाता है जिस पर कार्ल खुद ही शॉक ले लेता है क्योंकि वो एक रहमदिल आदमी था। इसके बाद कार्ल के सर से डिवाइस निकाल के लिंडा के सर पर लगाया जाता है और एमी को चूज करने बोला जाता है। वो विदाउट एनी सेकंड थॉट लिंडा को शॉक दे देती है। वो कहती है वो यहाँ गेम खेलने आई है, दोस्त बनाने नहीं। इसी तरह सबके सर पर डिवाइस लगाया जाता है और सबको चूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। पीटर भी एक रहमदिल इंसान था और वह खुद ही शॉक ले लेता है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर वार्डेन को गन लोड करके कहीं निकलते हुए देखते हैं। सीन वापस गेम पर आता है और इस बार बारी ट्रैविस की होती है। ट्रैविस अपने बगल में बैठा लुकास को शॉक दे देता है। लुकास भी एक बहुत अच्छा इंसान था और जब उसकी बारी आती है तो वो बेचारा एक बार फिर खुद ही शॉक ले लेता है क्योंकि वो आयरिश को शॉक देना नहीं चाहता था। लास्ट टर्न आयरिश को मिलता है और वो भी काफी अच्छी और रहम दिल थी, इसलिए वो काल को छोड़कर खुद ही शॉक ले लेती है। शॉक खाते खाते गेम का पहला राउंड खत्म हो जाता है जहां कोई भी कंटेस्टेंट एलिमिनेट नहीं होता। यहां शेफर्ड सबको एक ब्रेक लेने के लिए कहता है और सेकेंड राउंड की तैयारी चलती है। सभी कंटेस्टेंट बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और तभी जूलियन उनसे मिलने आता है जहां पर उसके ट्रैविस से तूतुमे में हो जाता है। जूलियन ट्रैविस से कहता है कि उसने अपनी मुंह खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। गेम का सेकेंड राउंड शुरू होता है और शेफर्ड कहता है कि इस बार सबको 30 सेकंड मिलेगा ऑप्शन चूज करने के लिए। आयरिस को फर्स्ट चांस मिलता है। इस बार आयरिस को कहा जाता है कि क्या वो कार्ल के थाई में आइस पिक से स्टाब करेगी या ट्रैविस के पीठ पर चाबुक से 3 बार पिटाई करेगी। इस पर ट्रैविस कहता है कि अगर आयरिस कार्ल के थाई में स्टाब करेगी तो इसे उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए वो उसके चाबुक से 3 बार मारने के लिए कहती है। आयरिस ना चाहते हुए भी ट्रैविस को 3 जोरदार फटके मारती है और उसकी खाल उतर जाती है। अगली बारी लुकास की होती है और उसे ऑप्शन दिया जाता है कि इधर वो आयरिस के थाई पर आइस पिक से स्टाब करेगा नहीं तो ट्रैविस को 3 बार फिर से चाबुक से मारेगा। ट्रैविस उसे कहता है कि वो 3 बार और मार खाने के लिए तैयार है बट किसी को स्टाब करना उसके जान के लिए खतरा हो सकता है, और बेचारा लुकास से और 3 बार मार खाता है। ये सब देख के जूलियन काफी खुश नजर आता है क्योंकि उसने जानबूझ के ऐसा किया था ताकि वो उससे बदला ले सके। जब फाइनली ट्रैविस को चांस मिलता है तब उसे भी 2 ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें से या तो वो लुकास के थाई पर आइस पिक से स्टाब करेगा या बेबंस के हाथों से 3 और जोरदार फटके खाएगा। बेचारा ट्रैविस किसी को स्टाब करना नहीं चाहता था इसीलिए एक बार फिर से मार खाने के लिए रेडी हो जाता है, और इस बार बेबंस के हाथों से मार खाने के बाद वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लग जाता है। इस बार बारी पीटर की होती है और उसे कहा जाता है या तो वो लिंडा के थाई पर स्टाब करेगा नहीं तो ट्रैविस को फिर से मारेगा। पीटर जानता था कि अगर उसने ट्रैविस को और मारा तो वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो लिंडा जो कि पैरालाइज थी उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्टाब करने जा रहा हूँ क्योंकि तुम पैरालाइज्ड और तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, और वो उसके थाई पर आइस पिक घुसेड़ देता है पर गलती से आइस पिक थाई के नर्व्स में लग जाती है जिससे काफी खून बहने लगता है। अब बारी लिंडा की होती है और वो झपक के एमी के थाई में आइस पिक घुसा देती है क्योंकि लास्ट टाइम एमी ने उसे शॉक दिया था। जब एमी की बारी आती है तब उसे ट्रैविस को पीटने के या अपने पसंद के किसी भी कंटेस्टेंट के थाई में स्टाब करने का मौका दिया जाता है जिस पर वो आयरिस के ऊपर वार कर देती है। एमी का प्रहार इतना घातक होता है कि आयरिस की जान जाते जाते बच जाती है क्योंकि एमी एक बहुत ही कठोर दिल इंसान थी और वो सच में कंटेस्टेंट को घायल करके या मार के एलिमिनेट करना चाहती थी। इसी बीच पीटर नोटिस करता है कि लिंडा कोई हलचल नहीं कर रही है और चेक करने पर पता चलता है कि ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई है। बेबंस उसकी डेड बॉडी को रूम से बाहर ले जाता है। लास्ट में कार्ल को भी सेम ऑप्शंस दिए जाते हैं कि या तो वो ट्रैविस को पीटेगा नहीं तो लुकास को स्टाब करेगा। अब तक कार्ल समझ चुका था कि गेम में किसी को हेल्प नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर सबको ही सबको बचाते रहेंगे तो एलिमिनेट कौन होगा और विनर कैसे डिसाइड होगा, इसलिए वो ट्रैविस को मार के उसे खत्म करने का फैसला करता है और उसे 3 बार मारता है। अब ट्रैविस में कोई भी ताकत नहीं बची थी गेम को कंटिन्यू करने के लिए इसलिए उसे उठा के रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब गेम का सेकेंड राउंड यहीं पर खत्म हो जाता है जिसमें ट्रैविस और लिंडा एलिमिनेट होते हैं। थर्ड राउंड शुरू होने से पहले जब शेफर्ड अपने बटलर से बातें कर रहा था तब लुकास नोटिस करता है कि दरवाजा खुला है और वो सभी कंटेस्टेंट को वहां से भागने कहता है और एमी को छोड़कर सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लुकास गार्ड्स के ऊपर हमला करता है और कार्ल शेफर्ड को चाबुक से पीटने के लिए आगे बढ़ता है मगर तभी शेफर्ड उसे शूट करके मार देता है। आयरिस भागकर बाथरूम की ओर चली जाती है और देखती है कि घर का सभी दरवाजा लॉक्ड है। तभी अचानक उसके सामने जूलियन आ जाता है और उसे पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है मगर आयरिस एक नोकीला चीज से उसके थाई पर स्टाब करती है और उसे घायल कर देती है। तभी सडनली वहां डॉक्टर वार्डेन आ जाते हैं और आयरिस से कहते हैं कि वो उसकी मदद करने यहाँ आए हैं। वो अपनी बातें कह ही रहे होते हैं कि तभी बेबंस उन्हें शूट करके मार डालता है। वो आयरिस को लेकर वापस कमरे में आता है
और शेफर्ड को जूलियन का कारनामा बताता है कि उसने आयरिस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया। शेफर्ड जूलियन के बर्ताव से काफी गुस्सा हो जाता है और आयरिस से माफी मांगता है। अब गेम का थर्ड राउंड शुरू होता है और इस बार सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स बचे हुए थे। शेफर्ड का एक गार्ड कमरे में एक बड़ा सा बैरल लेकर आता है और सभी कंटेस्टेंट के सामने एक एक एनवेलप रखा जाता है। कंटेस्टेंट को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन 1 एनवेलप के अंदर कार्ड्स में लिखा टास्क को कंप्लीट करना और ऑप्शन 2 बैरल के अंदर पानी में 2 मिनट तक सांस रोक के रखना। इस टास्क को करने के लिए 30 सेकंड्स का टाइम लिमिट सेट किया जाता है। फर्स्ट सन्स पीटर को मिलता है और वो कार्ड चूज करता है। कार्ड में लिखा होता है कि उसे अपने हाथ में पटाखा फोड़ना होगा, बट पटाखा के जगह उसे एक बॉम्ब दिया जाता है और बॉम्ब फटने की वजह से पीटर को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है और वो भी गेम से बाहर हो जाता है। अब बचे थे 3 लोग। सेकेंड चांस लुकस को मिलता है, वो भी कार्ड को ही चूज करता है। कार्ड में लिखा होता है कि उसे अपने एक आंख को ब्लेड से चीरना होगा। ये सुनते ही लुकस की सिटी पिटी गुम हो जाती है, बट कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण दिल पर पत्थर रखकर वो अपनी आंख को ब्लेड से चीर लेता है। थर्ड चांस आयरिस को मिलती है और वो डिसाइड करती है कि वो बैरल के अंदर पानी में 2 मिनट तक अपने सांस को रोकेगी, जिसमें वो सफल हो जाती है। शेफर्ड कहता है कि वो जानना चाहता है कि अगर आयरिस कार्ड चूज करती तो क्या निकलता। इस पर वेबन्स कार्ड उठाकर कहता है कि अगर आयरिस कार्ड चूज करती तो उसे अपने सारे दांत निकलवाने होते। अब लास्ट चांस एमी की होती है और वो कार्ड चूज करती है। कार्ड में लिखा होता है कि उसे पानी के अंदर 4 मिनट तक अपने सांस को रोकना पड़ेगा, जिसमें वो असफल हो जाती है और अपनी जान गंवा बैठती है। सभी कंटेस्टेंट के एलिमिनेट होने के बाद लास्ट राउंड में सिर्फ लुकस और आयरिस बचे हुए थे। इस बार शेफर्ड कहता है कि लास्ट राउंड थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें जिसको पहला चांस मिलेगा उसके पास ही सारे एडवांटेजेस रहेंगे, इसीलिए टॉस करके ही पहला कंटेस्टेंट डिसाइड किया जाएगा। टॉस जीतने के बाद आयरिस को पहला चांस मिलता है। शेफर्ड आयरिस के हाथ में एक रिवॉल्वर देते हुए उसे 2 ऑप्शन देता है। यहां गेम बंद करके वो और लुकस दोनों घर चले जाए बिना कुछ पैसे के, और सेकेंड ऑप्शन लुकस को शूट करके वो विनर बन जाएगी और सारा पैसा लेकर चली जाएगी। लुकस उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरी भी 3 बहनें हैं और अभी हमारे पास मौका है यहाँ से बाहर जाने का, हम मेहनत करके कहीं और से पैसा कमा लेंगे, प्लीज मुझे शूट मत करो। मगर आयरिस को सिर्फ अपने भाई की ही चिंता थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, इसीलिए वो अचानक लुकस के हार्ट में शूट कर देती है, जिससे फौरन उसकी मौत हो जाती है और वो इस गेम का विनर बन जाती है। और जैसे ही शेफर्ड ने प्रॉमिस किया था, वो उसको ढेर सारे पैसे देता है और कहता है कि उसने पहले से एक डोनर ऑलरेडी लोकेट कर लिया है और अगले हफ्ते में ही रैली का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। आयरिस अभी भी सदमे में होती है और वो उसी हालत में घर पहुंचती है जब वो एक शावर लेकर अपने भाई को चेक करने जाती है, जो देखती है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि रैली ने बहुत सारी दवाई खा के सुइसाइड कर लिया है, शायद इसीलिए क्योंकि वो अपनी बहन को और तकलीफ देना नहीं चाहता था। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें सीखने मिलती है कि लालच एक बुरी बला है और पैसों से ज्यादा रिश्ते अहम होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। यहाँ मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।